खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। घटना स्थल पर हुई मौत। इंदौर इच्छापुर मार्ग पर नर्मदा किनारे ग्राम मोरट टक्का में गुरुवार दोपहर 4 बजे हृदय विदारक घटना हुई, जिसमें एक 4 वर्ष की बालिका मौत के काल में समा गई। मोरट टक्का चौकी से प्राप्त जानकारी के अनुसार दीपा पिता धमेंद्र पाल 4 वर्ष अपने घर के बाहर सड़क पार करने के लिए खड़ी थी, तभी इंदौर की ओर से आती हुई जायसवाल बस अनियंत्रित होकर बालिका को बस की चपेट में लेते हुए घर में घुस गई। इसमें बालिका की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं मौके पर पुलिस के पहुंचने के पूर्व ही ग्रामीणों ने आक्रोश जताते हुए सड़क पर गति अवरोधक बनाने की मांग की। इस मांग को लेकर परिवार वाले करीब 2 घंटे तक सड़क पर चक्का जाम कर बैठे रहे। मौके पर तहसीलदार उदय मंडलोई और चौकी प्रभारी सतेंद्र कुशवाहा एवं ओम प्रकाश सिंह ने पहुंचकर परिवार वालों को समझाया, लेकिन वह गति अवरोधक बनाने की मांग को लेकर अड़े रहे। काफी देर अधिकारियों की समझाइश के बाद अधिकारियों द्वारा 2 दिन में गति अवरोधक बनाने के आश्वासन पर परिवार वाले माने। बनाया जाए इस टाइप की मांग है उनकी, जो जायज है करने की, अभी बात कर रहे हैं, करवाते हैं। सर, इंदौर इच्छापुर हाईवे पे लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं, इसको लेकर प्रशासन क्या कर रहा है? नहीं, प्रशासन तो लगातार इसमें सुरक्षा व्यवस्था दे ही रहा है, और वो दे उनकी ब्रेकर बनाना है, जहाँ ब्रेकर बनते हैं PWD विभाग बनाता है ब्रेकर, तो पुलिस भी समय समय पर चेकिंग वगैरह करती रहती है। सड़क पर लगाया जाम। स्थानीय रहवासियों ने बताया कि सड़क पर दौड़ती तेज गति की बसों से पूर्व में भी इस तरह की घटना हुई थी, लेकिन अधिकारियों एवं स्थानीय सरपंच द्वारा ध्यान नहीं देने के कारण यहां गति अवरोधक की समस्या यथावत बनी हुई है, जिससे आज फिर एक घटना में बालिका काल के मुंह में समा गई। ग्रामीणों ने इस दौरान किए गए 2 घंटे के चक्का जाम के कारण बड़े वाहन एवं छोटे वाहन को एक्वाडक्ट पुल से निकालना पड़ा। इस दौरान पुल पर करीब 1.5 किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा। पर समय जगत के लिए कैमरामैन आकाश के साथ आनंद राठौर की रिपोर्ट। पर समय जगत, एक संदेश पूरा देश।